कोरोना में लोगों को भाप लेने की सलाह दी गई है। ऐसे में नगर पालिका रायसेन के दो कर्मचारी राजेंद्र और संतोष सोनी ने एक भाप मशीन तैयार की है, जिसमें एक गैस की टंकी, एक गैस चूल्हा और एक कुकर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दो तरफ नोजल लगाकर एक तरफ दो लोगों को भाप दिलाई जा सकती है। रायसेन में इस भाप मशीन की हर तरफ तारीफ हो रही है। दो लोगों के इस मशीन से भाप लेने के बाद इसको सैनिटाइज किया जाता है, फिर इसके बाद दो अन्य व्यक्तियों को भाप दिलाई जाती है। इस भाप मशीन को बनाने वाले राजेंद्र और संतोष सोनी का कहना है कि कोरोना काल में भाप लेने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों को भाप दिलाने के लिए मशीन बनाई गई है। गैस सिलेंडर है, कुकर है, कुकर को पाइप में फिट करा है, उसके ये उसके द्वारा गर्म होने के बाद उसको सीटी को हटाने के बाद पाइप लगा देते हैं, तो पाइप द्वारा उसकी भाप निकलती है, जिसमें लगभग 200 लोग हर रोज भाप ले सकते हैं। भाप लेने आए मजहर कबीर का कहना था कि नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ये सराहनीय पहल की गई है। अच्छा प्रयास है और एक बहुत छोटे से कर्मचारी का प्रयास है, इसमें कोई लागत नहीं है। इतना जितनी इनकी सराहना इस कर्मचारी की जाना चाहिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ये इनके खुद की निजी दिमाग की उपज है, जिससे ये रायसेन के नगर की जनता को सुविधा पहुँचा रहे हैं। इसके लिए इस बारे में नगरपालिका के सब इंजीनियर प्रमोद कुमार साहू का कहना है कि नगरपालिका के कर्मचारी राजेंद्र और संतोष सोनी ने इस मशीन को लोगों की भलाई के लिए बनाया है, ताकि लोग भाप ले सकें और कोरोना से सुरक्षित रह सकें। नगरपालिका के दिमाग में ये बात आई कि चलो एक अपन जो है भाप का तैयार करते हैं, उसमें एक सिलेंडर और एक उसमें जो है चूल्हा वगैरह लगा के उसको भाप दी जाती, दो उसमें नोजल लगाए गए, दो नलियां हैं जिससे लोग भाप लेते हैं, और भाप लेने के बाद फिर उसको सैनिटाइज करके फिर दूसरे लोग भाप लेते हैं। मुझे निरंतर चल रहा था कि लोग उससे लोगों को भी